चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, जो बच्चे पार्क में खेलना चाहते हैं उसके लिए टू स्लाइड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, छोटे बच्चों के लिए। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। फिर एक और स्लाइड की बात की जा रही है फॉर द एडल्ट चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। आइडिया हो गया, एक में हाइट 1.5 है, दूसरे में हाइट 3 है, तो 1.5 छोटी स्लाइड बना देगी, 3 मीटर की हाइट बड़ी स्लाइड बना देगी, दोनों के एंगल्स अलग अलग दे दिए गए। और हमसे ये पूछ लिया गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, स्लाइड की लेंथ हमें सॉल्व करनी है। अब सब कुछ करने के लिए हमें फिगर तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो सबसे पहला काम हम अपने लिए फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं। छोटी स्लाइड छोटी फिगर एंड बड़ी स्लाइड बड़ी फिगर, ओके, छोटे बच्चों के लिए एंड बड़े बच्चों के लिए, आपके लिए बड़ी, आपसे आपके छोटे भाई बहनों के लिए छोटी स्लाइड, ओके। तो इसको हम नेम दे देते हैं एबीसी, एंड द नेक्स्ट वन इज पीक्यूआर, दो स्लाइड्स मिल गई। और हाइट पहले के लिए क्या गिवन है, 1.5 एट अ हाइट ऑफ 1.5, और इसके लिए जो हमें हाइट गिवन है दिस इज 3, दोनों की हाइट गिवन है, दोनों के एंगल्स गिवन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और इसके लिए 60 डिग्री। सॉल्व क्या करना है जरा उस पर ध्यान देना, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। हमसे पूछा गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में हमें स्लाइड की लेंथ सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिगर के लिए। फर्स्ट वी नीड टू मेंशन कि हम कौन सी ट्राइंगल कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल एबीसी, एंड फिर कॉन्सेप्ट वही, ध्यान दो गिवन पार्ट क्या है, सॉल्व वाला पार्ट कौन सा है, दोनों साइड्स का रिलेशन किस रेशो में मिलता है हमें। तो हम ध्यान देते हैं पहले कि जो पार्ट गिवन है वो है हमारे पास ऑपोजिट टू थीटा, इट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर। सॉल्व क्या करना है अब इस पर आ जाइए बीसी, ठीक है। तो दो साइड्स मैंने मार्क कर दिया आपके लिए इस ट्राइंगल एबीसी में, इन दोनों साइड्स को ध्यान में रखते हुए माइंड में रखिए कि दोनों साइड्स को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों साइड्स का रिलेशन बना रहे हैं, तो कौन सी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होने जा रही है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हमें यूज करना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद है आपको, याद नहीं है तो याद करते रहिए साथ साथ, हर समय लिखने से याद हो जाएंगे। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, देन ऑपोजिट इज थीटा के ऑपोजिट वाली साइड का नाम क्या है, एसी, एंड दिस बी सी इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेन्यूस ऑफ दिस ट्राइंगल। थीटा गिवन है 30, तो हम लिख सकते हैं साइन 30 एसी, एसी गिवन है, चेक करिए 1.5, तो लीजिए 1.5, बीसी तो सॉल्व करना है, अभी सॉल्व कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू को याद करो, यस एक बार फिर से बोलो, यस 1/2, वेरी गुड, 1.5 एंड बीसी, ठीक है, ऐसे ही बोलते रहना, याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो लिख के याद कर लेंगे। तो बीसी को इधर शिफ्ट कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 1.5 × 2, दिस इज 3 मीटर्स, तो आपको पहले वाली स्लाइड की हाइट मिल गई 3 मीटर, हमें ये हमारा पहला आंसर 3 मीटर मिल गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास सेकंड ट्राइंगल की, सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर में कॉन्सेप्ट फिर वही है, साइन थीटा डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं इस बार, क्योंकि मैंने पहले से लिख दिया है कि क्या रिजल्ट है, किन दो साइड्स के बीच में वो रिलेशन है, तो उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए आप एक बार फिर से बोल के देखो कि आपके पास कौन कौन सी दो साइड्स मिल रही हैं। तो ऑपोजिट टू थीटा दिस इज पी आर,
एंड क्यू आर साइन थीटा एंड दिस टाइम थीटा इज 60 डिग्री. यस, वैल्यू को याद कर लो, मेरे लिखने से पहले आपको याद हो जाना चाहिए, आपको लिख के रखना अपने माइंड में भी और याद रखना और लिखना भी है, मुझसे भी पहले लिखना. तो पी आर कितना है? 3, एंड क्यू आर दिस इज क्यू आर, राइट. तो साइन 60 इज, मैंने कहा था ना मुझसे पहले लिखना, यस. तो रूट 3/2, दिस इज 3 एंड क्यू आर. तो क्यू आर आप सॉल्व करो कितना आ रहा है, थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री. ओके, सिक्स अपॉन रूट थ्री, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा. तो जी रेशनलाइज भी हो गया, तो आंसर क्या आएगा, सिक्स रूट थ्री अपॉन थ्री, दिस क्यू आर इज इक्वल टू 2√3 from a point on the ground, angle of elevation. Elevation मतलब समझ गए, ऊपर उठना, ठीक है. The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Angle given है, एक distance given है, हमें solve करना है find the height of the tower. तो जैसे कि हर बार हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि हाँ हमें वो सम सॉल्व कैसे करना है. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर है ये जो ये ड्रॉ हो गया, टावर का टॉप मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए यहां पर. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो ये पॉइंट है जिसकी मैं ये बात कर रहा हूं, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री एंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर का फुट चेक करना कहां पर मार्क किया मैंने अभी, यस ये वाला, बिल्कुल ठीक. यहां से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हमें ये गिवन है, विच इज 30 मीटर्स, ये डिस्टेंस गिवन है. हमसे पूछा क्या गया है, हाइट ऑफ दिस टावर, उसको हम h एज्यूम कर लेते हैं. अब हमारे पास फिगर रेडी है, उसको नेम देना बाकी है. हम अपने लिए इस फिगर को नेम देते हैं एबीसी, और एबीसी फिगर मिल गया. राइट एंगल पता है, एंगल बी इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल इज गिवन, एंगल ए 30 डिग्री. सॉल्व करने के लिए कहा गया एच, सिंपल सी बात, अब इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए हमसे. ओके, तो ट्राइंगल ए की है तो मेंशन करना चाहोगे तो हम इस बार नेम मेंशन कर देते हैं इन ट्राइंगल एबीसी. फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से रिकॉल करना है कि इसमें गिवन पार्ट क्या है, सॉल्व क्या करना है, दोनों साइड्स का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिल रहा है. ओके, तो बेस आई मीन एडजेसेंट एंगल इज गिवन, परपेंडिकुलर सॉल्व करना, तो एडजेसेंट और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमने किस में सॉल्व किया हुआ है, यस ओके, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट. तो अपोजिट साइड का नाम क्या है जरा वो लिख लेते हैं, बीसी, एडजेसेंट हमारे पास है एपी. अब हम इनकी जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं. थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, टैन 30, बीसी हमारे पास नहीं है, हमें सॉल्व करना है, हम एच लिख रहे हैं, एंड एबी इज 30 मीटर. अब वैल्यूज याद करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, याद तो करनी है हमें. तो tan 30 1/√3 h अपॉन 30, h हमें सॉल्व करना है, ये 30 ऊपर शिफ्ट हुआ, रूट 3 नीचे, एज इट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रह जाता है उसको हमें सिर्फ रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइजेशन में यहां लिख रहा हूं. सॉल्व होने के बाद क्या आएगा चेक कर लीजिए, 10√3 इसका न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर इज 3 ओनली, तो h इज इक्वल टू 10√3, राइट. हमारा ये आंसर सॉल्व. काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, तो पहले तो काइट बनाए. लो जी हमारी काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से कितना ऊपर है, 60 मीटर.
द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. एक स्ट्रिंग जो काइट को पकड़े हुए है, स्ट्रिंग ने काइट को पकड़ा और स्ट्रिंग को आप पकड़ के रहना, नहीं तो काइट उड़ जाएगी आपकी. एंड 60 मीटर्स ये डिस्टेंस था. एंड इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. आई मीन जिस एंगल की बात की गई है कि ग्राउंड लेवल के साथ जो वो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ सॉल्व करनी है, जैसे मैंने मार्क कर दिया आपके लिए यहाँ पर. Assuming that there is no slack in the string, string बिल्कुल tightly stretched है, कोई slack नहीं है बीच में. हम इस string की length solve करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने triangle को name दे दिया हमारे लिए ABC triangle, and angle B is 90 degree, vertical थी height तो angle ये 90 होना बनता है हमारे लिए. Information फिर से check कर लो कि given क्या है, solve क्या करना है. Given है हमारे पास 60 degree height, solve करना है हमें ये hypotenuse. Concept याद करिए, perpendicular upon hypotenuse या opposite upon hypotenuse किस में यूज होगा, आपको वो चेक करना है. यस, बिल्कुल ठीक है. sin theta, sin theta में हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है, opposite upon hypotenuse and the opposite side is BC. एंड हाइपोटेन्यूज जो हमें सॉल्व करना है वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको लिखते हैं AC. थीटा इज गिवन, साइन 60 डिग्री, BC इज 60 एंड AC जो हमें सॉल्व करना है. तो साइन 60 वैल्यू याद करिए क्या है. यस, बिल्कुल ठीक है, रूट 3 बाय 2 60 अपॉन AC. गुड, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, एसी शिफ्ट हुआ यहां आ गया केस पर, एंड 16 टू 2 अपॉन रूट 3, सो एसी इज 120 अपॉन रूट 3. तो अगेन हमें यहां जरूरत है, देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज द वैल्यू है, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है. तो एसी इज इक्वल टू 120 रूट 3 upon 3, this AC is 40 root 3, this is our answer, right?